हेलो एवरीवन, ज्ञान जग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने से पहले मैं ठीक है सभी से सॉरी रहेगा कि अभी 2-3 दिन से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कॉलेज भी जाना रहता है और बहुत सारे दूसरे भी काम रहते हैं, इसलिए कुछ बिजी शेड्यूल के कारण मैं अब वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर अब रेगुलर रूप से वीडियो आएंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी स्टूडेंट को किसी तरह से दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि छोटे लिफाफे में चिपकाने हैं तो जो ये फॉर्मेट दिया गया है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरना है। तो वैसे तो इसमें बहुत किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो फिर भी किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट ना रहे इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या भरना है। तो छोटे लिफाफे में आपको क्या क्या भरना है, तो यहाँ विषय, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो। तो जैसे विषय, अब विषय में आप लोग सपोज करो जूलॉजी का पेपर लिख रहे हो, ठीक है, विषय जूलॉजी। प्रश्न पत्र कौन सा है, आप मान लेते हैं सेकंड पेपर लिख रहे हो, तो यहाँ डिटेल ये भर दिए, ठीक है। आपका सेमेस्टर नहीं है, आपका मुख्य परीक्षा है, तो इसको मुख्य परीक्षा को आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से टिक करेंगे। दिनांक, तो जो भी दिनांक होगा, ठीक है, वो दिनांक आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे इस तरह से। अब प्रति, प्रति प्राचार्य, तो प्राचार्य जैसे मैं अपने कॉलेज का नाम बता, मैं अपना कॉलेज का नाम बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग भर रहा हूँ, आप लोग अपने अनुसार भरेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉलेज का नाम है होली क्रॉस वेमेन्स कॉलेज, ठीक है, अंबिकापुर सरगुजा सी जी, ठीक है, ये आपको डिटेल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप पिन कोड एंटर करेंगे, पिन कोड में क्या, ठीक है, जो भी आपके कॉलेज का पिन कोड होगा। यहाँ पे प्रेषक, तो प्रेषक में आप क्या लिखोगे, अपना नाम, जैसे अनिल सिंह। कक्षा कौन सा, बीएससी पार्ट वन। अनुक्रमांक क्या है, तो रोल नंबर 30 20 20, ठीक है। नामांकन क्रमांक क्या है, तो जो भी आपका नामांकन क्रमांक था उस नामांकन क्रमांक को आप लोग लिखोगे, SUAS या जो भी आपका नामांकन क्रमांक होगा 19 20 30, उसको आप लोग लिखेंगे, ठीक। तो ये डिटेल आप कहाँ भरेंगे, छोटे लिफाफे में। एक चीज़ और याद रखना, ठीक, कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि किसमें कितने आंसर शीट भरना है, ये चीज़ भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आगे मैं वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरह से उत्तर पुस्तिका रखना है। ये तो हो गया छोटे लिफाफे में आप इस तरह से डिटेल भरोगे। अब जो आपका बड़ा एनवलप होगा जिसमें आप सारे छोटे इन छोटे लिफाफों को क्या करोगे, आप भरोगे, तो उस बड़े लिफाफे में, बड़े एनवलप में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ मुख्य परीक्षा, ठीक है, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम आपका क्या है, तो इस तरह से, ठीक है। प्रति, अगेन क्या लिखोगे आप, अपने कॉलेज का नाम, क्लियर, सभी आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉलेज का नाम हो गया, पिन कोड, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या क्या लिखनी चीज़ें लिखना है, तो यहाँ पर अगेन आपको अपने क्या करना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। पता, तो आपका पूरा पता, तो जो, ठीक है, जैसे विलेज, ठीक है, विलेज, कोई भी विलेज ले, ले, ले हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, विलेज, ठीक है, पोस्ट आपका हो गया, फिर से इस तरह से उदयपुर लिख दिए, क्लियर। डिस्ट थाना भी लिख सकते हो, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट,
सरगुजा, ठीक है, स्टेट छत्तीसगढ़। चलिए ये सारे चीज़ें हो गई। और साथ में पिन लिखना मत भूलें, पिन जो भी आपके गांव का पिन होगा उस पिन कोड को। तो 4 9 7 जो भी पिन होगा, 0 0 3 2 जो भी होगा, ये आप पिन कोड लिखेंगे। और यहाँ पर आपका अनुक्रमांक, ठीक है, अपना रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, 30 20 20। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, अपना अनुक्रमांक जो भी आपका होगा, 19 20 30 जो भी होगा, ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या करना है आपको, बाहरी लिफाफा में जो है, आप जो बाहरी लिफाफे में जो सीट रहेगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, भरना है, और इसको चिपकाना है कहाँ पर, जो बड़ा इन्वेलोप होगा उसमें, ठीक है। और यहाँ उत्तर पुस्तिकाओं के टोटल संख्या भी लिखना है आपको, बड़े लिफाफे में ही रहेगा। तो उत्तर पुस्तिकाओं की टोटल संख्या कितना, तो जितनी आपकी उत्तर पुस्तिकाएँ होंगी उतनी, ठीक है। तो क्या हो सकती हैं, 8 9 जो भी होगा उत्तर पुस्तिका उतनी, सपोज 9 लिख दिए। अब प्रश्न पत्र के नाम, तो यहाँ अब ध्यान रखना कि कैसे चिपकाना है। तो याद रखना मैं यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको भरना सिखाऊंगा। तो सपोज करो कोई स्टूडेंट है, बीएससी का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास क्या है, बीएससी के स्टूडेंट है, तो उसका सब हिंदी, ठीक है, हिंदी एक हो गया, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश 2 हो गया, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में कितना पेपर होता है, 3 पेपर, ठीक है। तो 3 पेपर होते हैं, तो कौन कौन से, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, प्लस फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये तीनों, ये चारों चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल आप लिखे होगे ना, प्रैक्टिकल की उत्तर पुस्तिका, ये एक लिफाफे में होंगी, ठीक है। तो कितने लिफाफे हो गए टोटल, 3, ये एक हो, 2, ये 3, ठीक। उसी तरह से फिर बॉटनी, ठीक है, बॉटनी पेपर फर्स्ट का उत्तर पुस्तिका और बॉटनी पेपर सेकंड की उत्तर पुस्तिका प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है, ये एक छोटे लिफाफे में रहेंगे ये सारी चीज़ें। तो किस तरह से 4 लिफाफा हो गया। अब ठीक है, एक और चीज़ें रहेंगी फिर, जूलॉजी, क्लियर, ये जूलॉजी हो गया। तो जूलॉजी प्लस जूलॉजी पेपर फर्स्ट, जूलॉजी पेपर सेकंड प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या रहेंगी, एक एक लिफाफे में। तो ये कितना हो गया, 5 लिफाफा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें रख रखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रश्न पत्र के नाम, तो यहाँ पर लिखोगे हिंदी, फिर यहाँ पे आप लोग लिखोगे इंग्लिश, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, केमिस्ट्री, और यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, केमिस्ट्री के बाद, केमिस्ट्री के बाद क्या लिखना है आपको, बॉटनी, और यहाँ पर फिर क्या लिखना है, जूलॉजी, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको प्रोजेक्ट वर्क अलग से दिया गया है, तो प्रोजेक्ट को अलग से सबमिट करेंगे, या फिर जैसा आपके कॉलेज आपको बोला गया है उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल आपको उत्तर पुस्तिका में इतने सारी चीज़ भरना है, इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आर्ट्स के स्टूडेंट, जैसे आर्ट्स के हम लोग मान लेते हैं बीए का कोई स्टूडेंट है, तो बीए का क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा उसके पास, हिंदी, तो हिंदी के लिए एक छोटा लिफाफा, इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एक छोटा लिफाफा, तो कितने हो गए, 2, एक 2। फिर क्या होता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड, ये दोनों एक ही लिफाफे में होंगे, कितने लिफाफे टोटल, 3। और फिर क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकेंड, ये एक में रहेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, अब जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री जिनका हिस्ट्री, जियोग्राफी जिनका जियोग्राफी, तो जियोग्राफी, ठीक है, फर्स्ट पेपर प्लस जियोग्राफी सेकेंड पेपर, ये एक लिफाफा में, 5, ठीक है। तो हो गया, समझ में आ गया अब,
ये अलग अलग लिफाफे में होंगे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लिफाफा। उत्तर पुस्तिका की संख्या कितना है, संलग्न उत्तर पुस्तिका की संख्या आपकी कितनी है, तो जितनी उत्तर पुस्तिका आप संलग्न करेंगे। अब उत्तर पुस्तिका की संख्या आप कैसे काउंट करोगे, तो 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर। और प्रैक्टिकल, जिनका प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल को भी काउंट करेंगे। तो प्रश्न पत्र के नाम, हाँ ध्यान रखना, जिनका प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल को भी काउंट करना। और प्रश्न पत्र के नाम फिर यहाँ आप लोग लिखोगे क्या, हिंदी, फिर यहाँ इंग्लिश, फिर यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, हिंदी इंग्लिश, और यहाँ क्या लिखेंगे, हिंदी लिख लिए इंग्लिश लिख लिए, क्या बच गया, इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो पेपर बच गया वो क्या है, जियोग्राफी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फिल करना है। अगर आप इस तरह से फिल करते हैं दी जो मैं बताया हूँ, तो आप यकीन मानिए कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, खुशी खुशी आपकी कॉपी जमा ले ली जाएगी, आपको किसी भी प्रकार का डांट नहीं सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब टीचर डांटते हैं तो आप लोग वहाँ बोलते हो कि नहीं टीचर तो ठीक से बताते भी नहीं, अरे भाई इतने सारे मिस्टेक रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट किए रहते हैं, वो सबको करेक्शन करते करते टीचर भी झुंझला जाते हैं, हम खुद कभी कभी स्टूडेंट को डांट देते हैं तो हमें खुद बुरा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करके जाओगे टीचर आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगे, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या डिटेल भरना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।